हेलो दोस्तों, चलो आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अक्सर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होगी जिसमें कि दिखाया जाता है कि जो हमारे टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उनके नीचे एक स्ट्रिप होती है जो कि रेड, ब्लू, ग्रीन आदि कलरों में होती है और उनका मतलब निकाला जाता है कि यह इस टूथपेस्ट में यूज इन्ग्रीडियंट्स को दर्शाती है, जैसे कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा मेडिसिन वाला है, कौन सा प्योर केमिकल वाला है। जैसे कि ब्लैक को प्योर केमिकल बोला जाता है और ग्रीन को नेचुरल बोला जाता है। दोस्तों क्या सच में ऐसा होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इन स्ट्रिप्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों दरअसल इन स्ट्रिप्स का इसके अंदर कौन से इन्ग्रीडियंट्स है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये कोलगेट का एक ही तरह का प्रोडक्ट्स है और उसमें एक ही तरह के इन्ग्रीडियंट्स यूज हुए हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रिप्स कलर है वो सभी का अलग अलग है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर ये कोलगेट का एक प्रोडक्ट है और उसकी जो स्ट्रिप्स कलर है वो ग्रीन है, जिसका मतलब इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पर लेकिन जो इसकी इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स में जाओगे तो आप इसमें सभी को केमिकल पाओगे। दोस्तों फिर आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या यूज होता है, ये लगाए क्यों जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये निशान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगाए जाते हैं और इनका यूज ये होता है कि जो लाइट बीम सेंसर्स होते हैं वो इन मास्क को पढ़ लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि यह पैकिंग कहाँ से काटनी है और कहाँ से सील पैक करनी है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे कलर में होती है, ये बहुत सारे कलरों में आते हैं। और दोस्तों रही बात इनके इंग्रेडिएंट्स के चेक करें तो उस टूथपेस्ट के पैक के पीछे सब लिखा होता है कि ये किस चीज़ से बना है, तो आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।